आए दोस्तों। ये है सैमसंग M20 जो 4GB रैम और 64GB रोम का है ये, और इसका 13 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मेगापिक्सल कैमरा बैक का है, और फ्रंट कैमरा के 8 मेगापिक्सल का है जो F2.0 सेल्फी का है ये। हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे कम्प्लीटली। यूजर मैनुअल है और देखिए ये है फोन, ब्लैक में मंगवाया मैंने। देखेंगे फोन कैसा है। साथ में एक और केबल दिया गया है जो सी टाइप का है, और एक चार्जर है जो चार्जर आके आपको 2.0 का चार्जर है स्पीड का, ये देखिए 2.0 स्पीड का चार्जर है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और इसके अंदर सिम इजेक्टर दिया है, और हेडफोन्स तो नहीं है इसके अंदर, शायद सभी फोन कंपनीज हेडफोन्स देना बंद कर दिए। और ये देखिए ये है सैमसंग का M20। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये ड्रॉप डिस्प्ले वाला है, डियो ड्रॉप डिस्प्ले वाला है ये। दिखने में तो बहुत स्लिम, अच्छा स्लिम दिख रहा, बहुत बेहतरीन दिख रहा। ये सिम इजेक्टर है, इस सिम यहाँ पर 10 का सिम ट्रे है, ये सिम ट्रे है, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए बेहतरीन डिस्प्ले है। इंग्लिश इंडिया नहीं दिया गया इसके अंदर, तो इंग्लिश यूके कर लेंगे, क्या यूनाइटेड स्टेट्स कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट, पूरा सेटअप बाद में करेंगे, अभी तो हम फोन ऑन करेंगे। एकदम डिस्प्ले बाहर को ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर बहुत बेहतरीन दिख रहा है डिस्प्ले इसका, मुझे बहुत पसंद आ गया इसका डिस्प्ले। ओके दोस्तों, अभी तो आपको सब मालूम ही रहता है इसके अंदर एंड्रॉइड 9 या 8 रहता, सब तो जनरली रहता। अब हम इसका सब तो अनबॉक्सिंग करते रहते हैं, हम अब इसका अनबॉक्सिंग करें। अब हम इसका OTG टेस्ट करेंगे, जो सी टाइप का इसके अंदर पोर्ट दिया गया है इसका, ये USB इसका जो पोर्ट है, मिनी USB का, USB नहीं है, USB मिनी नहीं है इसके अंदर, माइक्रो USB नहीं है, जो सी टाइप है ये, तो सी टाइप रहने से अब हम इसका सी टाइप का क्या OTG टेस्ट करेंगे। मेरे पास एक सी टाइप OTG कनेक्टर है जो USB के जो भी है वो इससे लगा के आप रीड कर सकते हैं आपके मोबाइल में। तो मेरे पास OTG का प्रिंटर भी है, लेकिन ये OTG सी टाइप नहीं है, तो हम इसको जनरल लगाएंगे।
अब हम इसको इस फोन में लगा के देखेंगे कि आएगा या नहीं। देखिए ऊपर में बता दिया आपको USB OTG का ड्राइव, और उसको ओपन करें, देखिए मेरे फाइल्स पूरे हैं इसके अंदर ऑलरेडी, ये स्टोरेज में देख लेंगे एक बार जाके। और आपको ये फाइल मैनेजर में भी दिखा देता हूँ, यानी माई फाइल्स के अंदर यहाँ पर देखिए माई फाइल्स, माई फाइल में आपको यहाँ पर USB का पेन ड्राइव, USB स्टोरेज भी आ गया जो मेरा 16 GB का पेन ड्राइव है वो भी दिखा रहा है इसके अंदर। और अब हम माउस कीबोर्ड भी टेस्ट करेंगे इससे, यही USB पोर्ट इससे मतलब से। यहाँ मेरे पास एक इंटेक्स की माउस है, मैंने अब माउस लगा रहा हूँ इसके अंदर। देखिए माउस का पॉइंट भी आ गया है, देखिए माउस का पॉइंट आ चुका है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करें तो यहाँ पर ऊपर से नीचे करें तो यहाँ पर पूरा मेनू आ जा रहा, नीचे करें तो भी आ जा रहा मेनू, और यहाँ से ट्रैक करें तो इसके जो भी वाईफाई ऑफ ऑन जो भी अपने को साउंड ये जो भी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं माउस से, जो भी एप्लीकेशन है हम माउस से ओपन कर सकते हैं सिंगल क्लिक बस एनफ। अभी इंटरनेट नहीं है इसलिए क्या हालत, वो ये ऐप में सेटिंग नहीं कर सक रहे। अभी कॉल ट्यून है, कॉलर है इसके अंदर ओपन करके डायलर में जाके आप प्रेस कर सकते हैं इसे माउस से, माउस लगा के यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कीबोर्ड भी लगाएंगे इसको, देखिए मेरे पास एक लॉजिटेक का कीबोर्ड है, मैंने कीबोर्ड लगा दिया, यहाँ पर दिखा दे रहा आपको फिजिकली कीबोर्ड की सेटिंग्स बोल के सब दिखा दे रहा है। यहाँ पर आपको हेड भी आ रहा है कीबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पूछ रहा है हम इसको बैक मारेंगे तो हम कुछ टाइप करेंगे इसके अंदर, देखिए इसमें ऐप भी सिलेक्शन हो रहा है इससे कीबोर्ड से। और हम इसके टाइप करेंगे कुछ, देखिए टाइप हो रहा है इसके अंदर और इसके पर चले जा रहा है। देखिए विंडोज मारे तो आपको गूगल असिस्टेंट ओपन हो रहा, और इंटर मारे तो आपको जो पुराना ऐप है वो ओपन हो रहा, इसके मारे चले जा रहा। और ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड रहने से इसके अंदर एक ऑप्शन है, और ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि यहाँ पर साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कीबोर्ड में साउंड कम ज़्यादा करें तो इसमें भी साउंड कम ज़्यादा हो जा रहा, देखिए अच्छे फैसिलिटीज है इसके अंदर। ओके दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए।